निवेदिता, क्या आपके घर में भी होता है कलह? घर से दूर नहीं हो रही नकारात्मकता, आपकी खुशियों पर भी लग गया है ग्रहण, घर परिवार में बढ़ रहा है तनाव, तो जरा ठहरिए जनाब, कहीं आप भी अपने घरों में ऐसे कार्य तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपके घर में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। जी हाँ, अक्सर अपने घरों में नकारात्मकता को दूर कर खुशियों को लाने के लिए लोग हर कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी घर परिवार में कलह की स्थिति जस की तस बनी रहती है। घर परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश हमेशा असफल हो जाती है, तो आपको जरूरत है कि आप अपने आसपास देखें, क्योंकि कई बार हम अनजाने में ही ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारा भाग्य हमसे रूठ जाता है। तो चलिए हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं जिसे दूर कर आप अपने दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकते हैं। घर में दुर्भाग्य लाते हैं ये काम। घर के अंदर जूते चप्पल लेकर आना, यानी कि बाहर की सारी नकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश कराना। दरअसल अगर आप घर में गंदे चप्पल जूते पहनकर प्रवेश करते हैं तो इससे बाहर की सारी नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण आपका भाग्य आपसे दूर हो जाता है। इसके साथ ही अगर आप घर में बाथरूम को गंदा रखते हैं और साथ ही इसे खुला रखते हैं, तब भी नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसके अलावा अगर आपके घर का माहौल हमेशा चीखने चिल्लाने वाला होता है, बड़ों बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार या फिर महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, तब भी भाग्य आपसे रूठ जाता है। खान पान की इन आदतों में करें बदला। अगर आप खाना एक जगह बैठकर नहीं बल्कि पूरे घर में घूम घूम कर खाते हैं या शाकाहारी खाने में भी मांसाहार बर्तन का उपयोग करते हैं, तो इससे घर में कलह की स्थिति बनती है। इसके साथ ही अगर आप जूठे बर्तनों को सिंक में न रखकर इधर उधर छोड़ देते हैं या फिर रात के खाना खाए बर्तनों को बिना धोए छोड़ देते हैं, तो भी आपके घर में दरिद्रता आती है। इन कार्यों से घर में लाएं खुशहाली। सुबह शाम घर में पूजा जरूर करें। घर की सफाई का विशेष ध्यान रखें। पानी को बर्बाद होने से बचाएं। लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करें। महिलाओं और बड़ों बुजुर्गों का सम्मान करें। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे छोड़कर और कुछ आदतों को अपनाकर आप घर में नकारात्मकता को दूर कर खुशहाली ला सकते हैं।